जी एक्चुअली पायल से मैं पहली बार मिल रही हूँ इधर. हम लोगों एक दूसरे से सोशली बहुत मिले हैं, बट मिलना मतलब पहली बार इतनी बातें हुई हैं हमारी. आई थिंक मोर देन एनी थिंग एल्स मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपने आप को एक ऐसे इवेंट से एसोसिएट कर रही हूँ जो औरतों को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहा है. जो देसाई फाउंडेशन है, आई थिंक वो लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न. पहले मैं इस फाउंडेशन के बारे में इतना नहीं जानती थी, बट इधर आने के बाद इन्होंने जितना मुझे बताया है, दे आर केटरिंग टू ओवर 52 विलेजेस इन गुजरात. औरतों को एम्पावर करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो दिस वॉज़ अ फाउंडेशन, और ये एक ऐसा मौका मुझे मिल रहा था कि मैं उनको अपना सपोर्ट दे सकूं जिस भी तरीके से. मैंने उनको ये भी बोला है कि अगर आगे किसी भी वजह से उनको मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प. क्योंकि आई थिंक दैट समथिंग दैट आई ओ ऑल्सो टू द वर्ल्ड. मुझे लगता है कि जो मैं आज हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ पहुँची हूँ, ये लोगों की बदौलत है. तो इफ़ देयर इज़ एनी वे कि मैं सोसाइटी को वापस कुछ कर सकूँ, तो इट विल बी माई प्लेजर. हाँ जी. सी आई थिंक एज फार एज पायल्स जो उनकी डिज़ाइंस का आइडिया रहा है, एक बहुत ही फ्लोरल पैटर्न और एनिमल्स को केटर करता है. जो हमारी बर्ड्स हैं, मोर देन एनिमल्स इट्स बर्ड्स. जैसे आप नोटिस करेंगे इस पर पीकॉक्स और पैरट्स एंड फ्लावर्स. सो फ्लोरल एंड येट डिज़ाइंस विद बर्ड्स, इस तरह की चीज़ों को ये केटर करता है. इसको पहनने में एक अलग मज़ा आता है, स्पेशली अब जो मौसम है हमारा बारिश का, एक सुंदर सा प्यारा सा मौसम बना हुआ है बॉम्बे में. अब सुंदर सा है, प्यारा सा है, दो दिन पहले हाल बेहाल था. बट जो भी कहो, इस तरह के मौसम में इस तरह के पैटर्न्स पहनने का मज़ा कुछ और होता है. थैंक यू. जी. बहुत ही बढ़िया. अभी फिल्म का टाइटल डिसाइड हो रहा है, वर्किंग टाइटल शादी में ज़रूर आना है. तो हाँ जी, ये थोड़ी अलग है, ये लव स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है ये. और राज सब जानते ही हैं, स्पेशली बरेली के बाद जो उनको जिस तरह का फीडबैक मिला है, आई एम तो वेरी हैप्पी फॉर राज. ही इज मैंने ये पहले इंटरव्यूज़ में बोला, मैं फिर से बोलूँगी कि ही इज़ माय फेवरेट को एक्टर. मुझे उनके साथ काम करने में एक अलग ही मज़ा आया था. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी हमारी डबिंग शुरू हो रही है तो रियली मना रही हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि मूवी बहुत अच्छे तरीके से चले. मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं है. अभी ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, हम लोग अभी डबिंग शुरू करेंगे, तो उसके बाद आई थिंक प्रोड्यूसर अनाउंस करे तो बेहतर रहेगा. जो मुझे पता है, अगर उस टाइम पे नहीं हुई तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ. बट उसके अलावा अभी वीरे की वेडिंग की शूटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, यमला पगला की दीवाना 3 की शूटिंग अभी शुरू हुई है. तो हाँ, ये साल थोड़ा बहुत अच्छा रहा है एक्चुअली. जी हाँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ. हाँ जी, बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को. सोचा नहीं था कभी कि इधर तक भी पहुँच जाऊँगी. अब तो इससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया. थैंक यू सो मच. दरअसल मैं पायल सिंगल से जुड़ी हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं इस कॉज से भी जुड़ जाती हूँ. देसाई फाउंडेशन और पायल सिंगल, इन दोनों ने एक बहुत ही आई थिंक एक बहुत अच्छा पहल किया है और एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश जारी है उनकी. देसाई फाउंडेशन बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड को हेल्प करती है, और ये एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा कॉज है जहाँ पर इट्स एन एनजीओ, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं. तो वो खुद कर रहे हैं और इतने लोगों को, बच्चों को, औरतों को एंड अंडर प्रिविलेज लोगों को ये दरअसल वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं. स्कूल्स हैं इनके जहाँ पे वो फ्री एजुकेशन हो रहा है. तो एक आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी किया जाए तो कम ही है. तो जितना लोग आगे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं इन ऐसे इस टाइप के कॉजेज के लिए, तो मुझे लगता है बहुत ही अहम बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और आना चाहिए लोगों को. और मुझे लगता है मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर एक चीज़ में आगे आता है, चाहे वो फ्लड रिलेटेड हो या चाहे वो कोई भी हो. ओके, जैसे कि कलेक्शन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कलेक्शन में क्या क्या है, कैसा है कलेक्शन. तो अभी पायल की जो अभी खासियत है वो प्रिंट्स हैं, और प्रिंट्स को और भी उभार रही है अपने एम्ब्रॉयडरी से, स्टाइल से, कट से. तो शी इज़ मतलब
पायल के बारे में मतलब जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उसकी 100% 100 भी नहीं, मैं कहूँगी 200% इन्वॉल्वमेंट होती है. ये देखा जाए तो उसके पास ऑब्वियसली स्टॉक है, चीज़ें हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर है और बहुत से फैशन शोज़ करती हैं, बहुत से एग्जिबिशंस करती है, खुद का अपना स्टोर है. लेकिन ये देखने के लिए अगर देखा जाए तो लगता है अरे यू नो इतना कोई बड़ा इवेंट नहीं है. लेकिन इसमें भी उसकी जो 200% इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मैं उसकी माँ रेखा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो वो कह रही पागल हो रही थी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक. तो आई थिंक दिस इज रियली किडोस टू पायल. जी ये मैंने पायल सिंगल ही पहना है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे प्रिंट्स हैं. तो मैंने कहा कहीं मैं भी एक मैनिकिन ना दिख जाऊं इनके बीच. बट हाँ बहुत देखिए पायल के कपड़े मुझे खास करके बहुत कंफर्टेबल लगते हैं. और मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट आउटफिट्स में लगता है कि अगर कोई भी चीज़ आप पहनो तो उसमें एक कम्फर्ट लेवल होना चाहिए. आपको अच्छे से मतलब बैठना भी पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तो हर एक चीज़ में कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है. तो पायल के कपड़े बहुत कंफर्टेबल है एंड वेयरेबल है. ओके, जिस तरीके से भी आपने बारिश का भी एग्जांपल दिया, बारिश के बारे में क्या राय देना चाहेंगी आप? जैसे कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या टिप्स? मुंबई में तो हमेशा बारिश होती आ रही है. हाँ, बट द थिंग इज़ ऑब्वियसली पॉपुलेशन और भी बढ़ता जा रहा है एंड सड़कें कम होने लगी हैं, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को और भी इन पर जोर देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए. इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, बट आई थिंक करना बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल में जो पिछला फ्लड हुआ उससे अभी तो मतलब मैं नहीं कहूँगी कि बेटर था, अभी भी वर्स ही था, बट फिर भी मेरे हिसाब से बेटर ही था पिछले फ्लड से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.